हेलो स्टूडेंट्स, देखो अपन लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो वीडियो को आप लोग आराम से देखना पूरा, ठीक है। और जब आप लोगों को वीडियो को पॉज करने के लिए बोला जाए तो वीडियो को पॉज करके और जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी खुद ट्राई करें, ठीक है। तो देखो, ये चैप्टर का नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर को बच्चों ऐसे भी बोला जा सकता है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की प्रॉपर्टी, ठीक है। ये भी बोला जा सकता है गुणधर्म क्या होते हैं फ्लूइड के, ठीक है। तो इस फ्लूइड मैकेनिक्स के अपन बेसिकली तीन पार्ट कर सकते हैं। एक तो अपन पढ़ सक इसकी में पढ़ेंगे स्टैटिक्स, स्टैटिक फ्लूइड के बारे में, फिर अपन पढ़ेंगे डायनेमिक फ्लूइड, फिर अपन पढ़ेंगे सरफेस टेंशन वगैरह के बारे में, ठीक है, यानी विस्कोसिटी वगैरह ये सब। स्टैटिक फ्लूइड कौन सा होगा, यानी सबसे पहला इसका जो पार्ट है बच्चों वो है स्टैटिक फ्लूइड, जिसके अंदर अपन लोग पढ़ते हैं कि जब जो फ्लूइड है वो रेस्ट पर रहेगा, जब फ्लूइड रेस्ट पर होगा तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, उस पर क्या लॉज है, क्या उसके रूल्स हैं, उन सब के बारे में अपन लोग इसमें स्टडी करेंगे, ठीक है। जैसे एक गिलास के अंदर वाटर है, उसके अपन जिसे जैसे नीचे डेप्थ पर जाते जाते प्रेशर में कितना कैसे चेंज आता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर अपन लोग देखेंगे, ठीक है। फिर अपन पढ़ेंगे डायनेमिक फ्लूइड, मतलब जो फ्लूइड है वो मोशन कर रहा हो, फ्लूइड के मोशन से मतलब क्या हो सकती है कि फ्लूइड बह रहा हो, किसी पाइप से पानी बह रहा हो, कोई नल में से पानी गिर रहा हो, ठीक है। तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है वो सब इसके अंदर अपन देखेंगे, जिसमें बर्नुलीज थ्योरम आएगी, कंटिन्यूटी इक्वेशन आएगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आएगी, फ्लेक्स फॉर्मूला आएगा, ये सब चीज़ें आएंगी, ठीक है। फिर अगला जो इसका पार्ट होगा वो होगा सरफेस टेंशन का, ठीक है। सरफेस टेंशन यानी पहले तो अपन पढ़ेंगे जो फ्लूइड है, जैसे गिलास के अंदर वाटर है, उस वाटर के अंदर उसकी जो इंटरनल प्रॉपर्टी है, वाटर की जो अंदर की जो सरफेस है, उसकी अंदर इंटरनल उसकी जो सरफेस है, ये वाली जो सरफेस है, इनमें क्या क्या रूल लग सकते हैं, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में, ठीक है, पहले इन दो में तो, ठीक है। फिर लास्ट इसका जो पार्ट आएगा चैप्टर का, उसमें पढ़ेंगे अपन ये जो इसके अंदर मान लो ये फ्लूइड भर रखा है, इसके अंदर जो फ्लूइड है इसकी जो सरफेस है ऊपर वाली, जैसे गिलास के अंदर वाटर होता है, उसकी जो ऊपर की जो सरफेस होती है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, उन सब के बारे में अपन लोग देखेंगे। तो 100 बबल्स आएंगे, उनका सरफेस टेंशन ये बहुत ही इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो थोड़ा सा लंबा चलेगा ये अपना, ये जो सीरीज है थोड़ी लंबी चलने वाली है, ठीक है। तो ये बेसिक इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन था। अब देखो अपन बात करते हैं फ्लूइड की, फ्लूइड क्या होता है, ठीक है। फ्लूइड, फ्लूइड की बात करते हैं तो अपन बोल सकते हैं एनीथिंग, एनीथिंग विच कैन फ्लो, एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। अब फ्लूइड के अंदर बच्चों अपन लोग जो लिक्विड्स होते हैं प्लस जो गैसेस होती हैं, उन दोनों को अपन लोग मेंशन कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अब जो लिक्विड्स अपन इस चैप्टर में जो भी पढ़ेंगे, जो भी अपन थ्योरम वगैरह पढ़ेंगे, जो भी लॉज पढ़ेंगे, जो भी रूल्स पढ़ेंगे, वो अपन बेसिकली लिक्विड्स के बारे में ही पढ़ेंगे। जब फ्लूइड की बात की जाएगी तो अपने दिमाग में सीधी सी बात आती है लिक्विड की, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर भी अपन लिक्विड्स के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन जो गैसेज होती हैं उनका क्या होता है बच्चों, कि जो डेंसिटी होती है वो सेम नहीं रह सकती, क्योंकि अपन गैस पर प्रेशर लगा के उसको वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए जो भी इसके जो लॉज अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, उनको मॉडिफाई करके अपन लोग गैसेज के लिए काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो गैसेज के लिए वैसे तो बेसिकली जो पोर्शन आता है वो आता है थर्मोडायनेमिक्स का, राइट। तो ठीक है, ये है। अब अपन पढ़ते हैं जो आइडियल फ्लूइड होता है, जो आइडियल फ्लूइड होगा उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, यानी इस चैप्टर के अंदर अपन जो भी रूल वगैरह ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो फ्लूइड होता है उसको आइडियल मान के पढ़ेंगे अपन, वैसे तो आइडियल कुछ चीज़ होती नहीं है, लेकिन अपन आइडियल मानेंगे जिस भी चीज़ का अपन अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे इसके अंदर, उसमें जो फ्लूइड होगा वो आइडियल फ्लूइड मानेंगे। अब आइडियल फ्लूइड की क्या प्रॉपर्टी होती है, कौन से फ्लूइड को अपन आइडियल फ्लूइड बोल सकते हैं, ठीक है, जिसके लिए अपन जो भी रूल्स पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो देखो अपन बात करते हैं आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। आइडियल फ्लूइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है आइडियल फ्लूइड की, पहली इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, वो है कंप्रेसिबल, नॉन कंप्रेसिबल, यानी जो फ्लूइड है वो नॉन कंप्रेसिबल होना चाहिए। जो फ्लूइड है बच्चों
वो नॉन कंप्रेसिबल होना चाहिए या इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, इसे भी बोल सकते हैं अपन, इसको इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होगा कि जैसे अपन फ्लूड है उस पर प्रेशर अप्लाई करें या फोर्स अप्लाई करें तो उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, वो कंप्रेस नहीं हो, ठीक है। तो इनकम्प्रेसिबल में क्या होगा, जो उसका वॉल्यूम रहेगा वो क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। वॉल्यूम क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। फ्लूड का अगर वॉल्यूम फिक्स्ड है तो उसको अपन आइडियल फ्लूड मान सकते हैं। और आपको पता है मास जो होता है वो तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका फिक्स्ड होता ही है, तो जब मास भी फिक्स्ड है और वॉल्यूम भी फिक्स्ड है तो अपन बोल सकते हैं कि इसकी जो डेंसिटी है वो क्या रहेगी, नो चेंज रहेगी। अगर कोई भी फ्लूड है उस पर अपन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसकी डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होता है, या फिर बोल दो कि उसका वॉल्यूम है वो उसके बाद भी फिक्स्ड बना रहता है, तो वो जो फ्लूड होता है बच्चों उसको अपन आइडियल फ्लूड बोलते हैं, ठीक है। तो ये फ्लूड की एक प्रॉपर्टी है आइडियल फ्लूड की, कि जो फ्लूड है वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, ठीक है। मतलब अपन फोर्स लगाए तो वो क्या होना चाहिए, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए, राइट। जब गैसेज होती है उनको तो क्या होते हैं, अपन वॉल्यूम उस पर प्रेशर लगा के उनके वॉल्यूम को डिक्रीज या इंक्रीज अपन चेंज कर सकते हैं प्रेशर को, उसके वॉल्यूम को। तो इसलिए अपन जो फ्लूड होता है उसमें बेसिकली अपन लोग लिक्विड्स जो होते हैं उनको ही कंसीडर करते हैं, राइट। तो ये है, ये तो पहली इसकी प्रॉपर्टी है इनकम्प्रेसिबल की, जो मेरे ख्याल से आप लोगों की बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल मतलब वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, उसका फिक्स्ड रहना चाहिए। अपन फोर्स अप्लाई करें, बाय अप्लाइंग फोर्स अगर अपन फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो फ्लूड है वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, कंप्रेस नहीं होना चाहिए, राइट। इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी आती है बच्चों वो आती है नॉन विस्कस। जो फ्लूड है वो नॉन विस्कस होना चाहिए। अब नॉन विस्कस का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं, वैसे तो इसका अपन आगे विस्कोसिटी वगैरह पढ़ेंगे तब होगा, ठीक है। तो नॉन विस्कस क्या होता है, देखो विस्कस फोर्स क्या होता है, जैसे मान लो कोई फ्लूड है, ठीक है, उसमें क्या है, लेयर्स होती है, ठीक है। अब जो लेयर्स होती है उनके बीच में जो फ्रिक्शन लगता है उसको बोलते हैं विस्कस फोर्स। अब वो फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। अब वो फ्रिक्शन आता क्यों, क्योंकि जो फ्लूड्स है वो टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं जिसको अपन, इनके बीच में जो टेंजेंशियल फोर्स लगता है, कौन सा फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स, जो टेंजेंशियल फोर्स इनके बीच में लगेगा उसकी बात कर रहे हैं अपन लोग, जो टेंजेंशियल फोर्स लगता है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी जो फ्लूड है वो नॉन विस्कस होना चाहिए। जैसे कि अपन लोग सॉलिड्स जो होते हैं उनके अंदर अपन पढ़ते हैं फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है, उसके अंदर फ्रिक्शन है, कोई सॉलिड दो सरफेस है वो एक दूसरे पर ऐसे रिलेटिव मोशन करती है, तो क्या होता है उनके बीच में एक फोर्स लगता है जिसको, जो उनकी मोशन को, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, जिसको अपन फ्रिक्शन कहते हैं। वैसे ही जो फ्लूड्स रहते हैं उनकी लेयर्स जो रहती है उनके बीच में जो टेंजेंशियल फोर्स लगता है रिलेटिव मोशन में उसको बोलते हैं अपन विस्कस फोर्स, ठीक है। तो जो फ्लूड है वो अपने नॉन विस्कस होना चाहिए, मतलब फ्रिक्शन जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी तक अपन ने क्या देखा, जो आइडियल फ्लूड है उसकी दो प्रॉपर्टी देखी, कि जो फ्लूड है वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए और नॉन विस्कस होना चाहिए, ठीक है, ये दो चीजें हैं। तो चलो अब अपन चैप्टर की शुरुआत करते हैं, ठीक है। ये अपनी थोड़ी जनरल सी बातें थी कि फोर्स अप्लाई करने पर जो फ्लूड है वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए और नॉन विस्कस होना चाहिए, ठीक है, बहुत ही बेसिक सी बात थी। चलो अब अपन चैप्टर की शुरुआत करते हैं बच्चों। आप लोग बोले कि सर इतनी देर से क्या कर रहे थे, हम तो सोच रहे थे वीडियो खत्म होने वाला है। तो ये है बच्चों प्रेशर, अपना जो पहला टॉपिक है वो है प्रेशर का। आप लोगों ने बचपन में पढ़ी होंगी ये बातें कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। तो ये बात थोड़ी सी रोंग सी हो जाती है, क्योंकि जो अपन जो फोर्स लेते हैं बच्चों वो परपेंडिकुलर फोर्स लेते हैं। कोई भी सरफेस होती है उसके जो परपेंडिकुलर फोर्स लगता है उसको अपन यहाँ पर कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये जो अपन ने एरिया लिया है, जो एरिया लिया है इस पर फोर्स है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर अपन इसकी डेफिनेशन ऐसे भी बोल सकते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। जैसे अपन स्विच चुबाते हैं यहाँ पर तो थोड़ा सा ऐसे करते ही चुबक जाती है, जबकि इस मार्कर को मैं ऐसे कितना ही फोर्स लगा दूँ इस हाथ के अंदर ये नहीं चुभता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ रखी है पहले से, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हुआ, एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम लगा, ये सब चीज़ें हैं, राइट। तो देखो इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, थ्रस्ट अपॉन एरिया, क्योंकि जो थ्रस्ट होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर जो फोर्स होता है उसको थ्रस्ट बोलते हैं अपन लोग,
ठीक है। तो इसलिए इसमें इस डेफिनेशन में अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब परपेंडिकुलर फोर्स की बात की, तो देखो मान लो ये एक सरफेस है, राइट, ये एक सरफेस है, इस पर एक फोर्स ऐसे लग रहा है एंगल थीटा पर, राइट। तो देखो इसका कंपोनेंट लेते हैं अपन, इसके अगर अपन कंपोनेंट बनाए तो देखो ये इसका जो कंपोनेंट होता है ये वाला, ये होगा एफ साइन थीटा, ठीक है, ये एफ साइन थीटा लगा और ये इधर लगेगा एफ कोस थीटा, इसका ये जो कंपोनेंट होगा ये होगा एफ कोस थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा बनेगा, इधर की ओर एफ आ रहा है तो इसका ये एफ कोस थीटा हो गया, ये क्या हो गया एफ साइन थीटा कंपोनेंट, क्योंकि जिसके साथ में एंगल बनता है वो कोस थीटा कंपोनेंट होता है, परपेंडिकुलर वाला क्या होता है साइन थीटा कंपोनेंट होता है, राइट। तो इस पर जो परपेंडिकुलर फोर्स कौन सा लग रहा है, एफ साइन थीटा लग रहा है, तो यहां पर अपन एफ की वैल्यू नहीं लेके किसकी वैल्यू को क्या लेंगे, एफ साइन थीटा लेंगे यहां पर। अब ये फिक्स नहीं है क्योंकि एफ साइन थीटा ही लेंगे हर बार, क्योंकि मान लो ऐसा भी हो सकता है, मान लो मैं यहां से एंगल बना दूंगा तो ये कोस थीटा कंपोनेंट हो जाएगा फिर, ठीक है। तो इसलिए यहां से बस यही बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब कभी भी अपन प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो उसके अंदर जो फोर्स आता है वो अपन क्या लेंगे, परपेंडिकुलर फोर्स काम में लेंगे। कौन सा फोर्स काम में लेंगे, परपेंडिकुलर फोर्स काम में लेंगे, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं इसकी यूनिट की। देखो ये जो एक स्केलर क्वांटिटी होती है प्रेशर है, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसके अंदर अपन जो डायरेक्शन है वो काम में नहीं लेते हैं, ठीक है। कई कई लोग इसको टेंसर क्वांटिटी भी बोल देते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में स्केलर क्वांटिटी से काम बन जाएगा, राइट। तो ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। बेसिक बेसिक सी बातें करते हैं। इसकी जो यूनिट होती है बच्चों, देखो यहाँ पर फोर्स की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन। एरिया की यूनिट क्या हो गई, मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी को बच्चों क्या बोल देते हैं अपन, पास्कल, यानी पी ए, एक साइंटिस्ट के नाम पर इसका नाम दे दिया गया, पास्कल, ठीक है। यानी एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक पास्कल के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, एक पास्कल के बराबर होता है। आप ये भी ध्यान में रखना बच्चों, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल्स के लिए अपन एक आप ये याद रखना, एटमॉस्फेयर भी होता है, इसकी जो यूनिट होती है वो एटमॉस्फेयर भी होती है। इसमें होता है एक एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू होता है 1.013 इंटू 10 to 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। ये न्यूमेरिकल्स में आप लोगों के काम में आएगी चेंज करने के लिए, राइट। और इसकी यूनिट और भी होती है, बार भी होती है, टोर भी होती है, बार भी होती है और टोर भी होती है, ठीक है। ऐसे और भी काफ़ी सारी यूनिट है जो जैसे जैसे अपना ये चैप्टर आगे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे अपने काम में आती जाएगी, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, ये यूनिट ज़्यादा अपन काम में लेते हैं, राइट। तो देखो अब यहाँ से आप अगर इसकी डायमेंशन निकालना चाहें अपन, इसकी अगर डायमेंशन निकालना चाहें बच्चों, तो वो डायमेंशन क्या आएगी, इसकी डायमेंशन न्यूटन की डायमेंशन क्या होगी बोलो, m1 l1 t-2, क्योंकि जो न्यूटन होता है वो क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि f क्या होता है, फोर्स का है, f इजिकल टू m में m केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या आ गया, m1 l1 और t-2 अपोन l2, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, m1 l-1 t-2, ये बच्चों इसकी आगे डायमेंशन। तो ये बहुत ही बेसिक सी बातें हैं जिनको अपन थोड़ा थोड़ा स्किप कर करके फटाफट फटाफट से करते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा आपने पास क्या था, ये चीज थी। चलो अब आगे देखो, अब बच्चों अपन को जो बात करनी है वो अपन बात करते हैं प्रेशर वेरिएशन की। किसकी बात करते हैं, प्रेशर वेरिएशन की, कि प्रेशर में कितना वेरिएशन होता है जब अपन वर्टिकली डेप्थ में जाते हैं, ठीक है। तो अपन बात करते हैं प्रेशर वेरिएशन की। वेरिएशन इन प्रेशर विद वर्टिकली डेप्थ, वर्टिकली डेप्थ के साथ में प्रेशर में कितना चेंज होगा, प्रेशर ऑफ वेरिएशन वर्टिकली विद डेप्थ, वर्टिकली विद डेप्थ, ठीक है। बात करते हैं जब अपन, फिर हॉरिजॉन्टल की भी बात करेंगे, फिर अपन न्यूमेरिकल अप्रोच करेंगे आगे, राइट। तो मान लो मेरे पास में एक ये बिकर है कोई, ठीक है, जिसके अंदर ये फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है,
इसके अंदर क्या है बच्चों, फ्लूड भरा हुआ है, ठीक है। इसकी जो यहाँ जो प्रेशर दे रखा है वो मान लो पी जीरो दे रखा है, राइट। अपन को एक पॉइंट दिया गया, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपको प्रेशर बताना है, जो पी है इसकी वैल्यू बतानी है कि इसके ये जो फ्लूड है ये रेस्ट पर है, क्योंकि अभी अपन जो पढ़ रहे हैं वो स्टैटिक फ्लूड के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। फ्लूड वो रेस्ट पर रहेगा, राइट। ये फ्लूड रेस्ट पर है, मान लो इस बिकर के अंदर ये फ्लूड रखा हुआ है, एक वेसल है मान लो उसके अंदर ये फ्लूड रखा हुआ है, कंटेनर है उसके अंदर ये फ्लूड रखा हुआ है, राइट। अब यहां पर जो प्रेशर दे रखा है बच्चों वो पी जीरो प्रेशर दे रखा है, ठीक है। आपको इस पॉइंट पर प्रेशर बताना है कि इस पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये यहां से दे रखा है एच हाइट पर, ठीक है। तो अपन इस पॉइंट पर प्रेशर निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं कि एक सिलेंडर मान लेते हैं, यहां पर एक सिलेंडर है, एक मनगढ़ंत सिलेंडर मान लेते हैं, एक सिलेंडर को अपन अज्यूम कर लेते हैं जिसकी हाइट क्या है, एच है, राइट। और ये जो इसमें फ्लूड भरा हुआ है इसकी डेंसिटी मान लो रो दे रखी है, राइट। तो अपन ने क्या किया, मैं इस सिलेंडर को इधर बनाता हूं थोड़ा सा जूम करके, आप लोग देखना बहुत ही आसान सा टॉपिक है, ठीक है। मैंने ये सिलेंडर यहां पर बनाया, राइट। इसका सरफेस एरिया ए दे रखा है, ठीक है। ये इसके अंदर ये फ्लूड है, एक मनगढ़ंत सिलेंडर अपन लोगों ने माना है, एक सिलेंडर को अज्यूम किया है जिसकी हाइट ये दे रखी है बच्चों क्या, स्मॉल एच। यहाँ पर जो प्रेशर है बच्चों वो पी है और यहाँ पर जो प्रेशर है वो पी जीरो है, ठीक है। अपन बात करते हैं ये जो सिलेंडर है इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो बाहर से एटमोस्फेरिक प्रेशर के कारण जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है पी ए, क्योंकि अभी अभी अपन ने देखा है कि जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, एफ अपॉन ए। अब मैं एफ अपॉन ए लिखूंगा तो आप लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि मैं जो फोर्स यहां पर लेऊंगा वो परपेंडिकुलर वाला फोर्स लेऊंगा, तो इसलिए हर बार ये लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि यहां पर जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर है, राइट। तो देखो, तो यहां से क्या आएगा, एफ इजिकल टू क्या आएगा, पी आएगा, इधर ले आए इसको, ठीक है। तो ये जो ऊपर एटमोस्फेरिक प्रेशर के कारण इस पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, पी ए। कितना फोर्स लग रहा है, पी ए, जो क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। पी जीरो ए, सॉरी ऊपर पी जीरो, तो पी जीरो ए, राइट। और इधर प्रेशर पी है तो यहां जो प्रेशर लगेगा, फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, पी ए। यहां कितना फोर्स लगेगा, पी ए। अब इसका खुद का वेट भी तो होगा, इसका खुद का वेट होगा जो क्या लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, W बराबर mg। इसका वेट भी तो होगा सिलेंडर का, इसके अंदर जो फ्लूड भरा हो रहा है उसका वेट होगा, उसका वेट क्या होगा, डाउनवर्ड की डायरेक्शन में, वेट तो हमेशा डाउनवर्ड ही होता है, या फिर ग्रेविटी फोर्स बोल लो इसको, वो तो डाउनवर्ड ही होता है, वो कितना है, mg, राइट। अब अपन बैलेंसिंग की बात करें कि पूरी बैलेंसिंग के लिए पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, बैलेंस में है, बैलेंस्ड कंडीशन में है, तो क्या होगा, जितने फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं उतने ही फोर्स क्या होने चाहिए बच्चों, अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ये फ्लूड रेस्ट पर है, ठीक है। तो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो पी जीरो ए और एक एम जी, और ये क्या लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहा है, पी ए, ठीक है। बराबर क्या होने चाहिए, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं वो होने चाहिए, तो क्या होगा, पी जीरो ए प्लस एम जी, ये लो, ठीक है। तो ये यहां से अपन एक इक्वेशन तो ये भी निकाल सकते हैं, जो एक इक्वेशन है देखो लो, यहां से निकालूंगा मैं, फिर इसको आगे भी चेंज करूंगा, इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं, इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, पी जीरो ए प्लस एम जी अपोन ए, यहां से ये कट जाएगा, ए इधर लेके आऊंगा तो इससे ये कट जाएगा, तो अपने पास में ये जो फॉर्मूला आएगा ये आएगा, पी बराबर पी जीरो ए प्लस एम जी अपोन ए। यहां पर ए क्या है, एरिया है, राइट। तो देखो ये रिजल्ट है, ये भी काम का है, कभी कभी न्यूमेरिकल्स में काम आता है, आगे अपन काम में भी लेंगे इसको न्यूमेरिकल करने के लिए, ठीक है। अभी इसी को अपन आगे चेंज करते हैं, आपको पता है कि जो बच्चों मास होता है, देखो मास क्या होता है, रो इंटू वी, यानी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि आपको पता है रो बराबर क्या होता है, एम अपोन वी, यानी रो बराबर क्या होता है, एम अपोन वी, तो यहां से एम बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू वी। तो रो डेंसिटी अपन ने माननी है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या मैं एरिया इंटू हाइट लिख सकता हूं, इसका वॉल्यूम क्या एरिया इंटू हाइट लिख सकता हूं, अपन बार बार में लिखते हैं वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम को अपन क्या लिखते हैं, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो लेंथ इंटू विड्थ को क्या हो गया, एरिया बन गया, और ये क्या आ गया, हाइट आ गया, वॉल्यूम को ये लिख सकते हैं अपन, वॉल्यूम को लिख सकते हैं ना ये, तो यहां से क्या लिख दिया मैंने इसको, एरिया इंटू हाइट लिख दिया। अब ये जो एम की वैल्यू है ये मैं यहां रख सकता हूं, तो देखो क्या आएगा, पी ए बराबर पी जीरो ए प्लस रो ए एच इंटू जी,
यहाँ से एक एक कॉमन ले लो, यहाँ से एक कॉमन लेगे तो क्या आएगा, पी जीरो प्लस रो जी एच, ए से मर गया, क्या बचा, पी बराबर पी जीरो प्लस रो जी एच। ये बच्चों क्या आ गया अपने पास में, इस पॉइंट पर क्या आ गया, प्रेशर आ गया। इस पॉइंट पर कितना प्रेशर होगा, पी जीरो प्लस रो जी एच, ठीक है। जहां पर पी तो क्या है, इस पॉइंट पर प्रेशर है, ठीक है, जो अपने पास में क्या है, पी जीरो, यानी ये जो एटमॉस्फेयर के कारण इस पर जो प्रेशर लग रहा था वो तो यहां पर आएगा ही, वो तो कंसीडर हो गई। साथ में कौन सा, ये जो रो जी एच, ये क्या है, ये क्या है बच्चों, ये जो कोलम अपन ने बनाया है, जो ये जो फ्लूड कोलम है, इसके द्वारा जो एच हाइट का है, इसके द्वारा कितना प्रेशर लगाया जा रहा है यहां पर, ठीक है। तो ये कौन सा प्रेशर है, इस फ्लूड के कोलम के द्वारा कितना प्रेशर इस पर लगाया गया, ठीक है। तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कोलम ऑफ हाइट एच, एक एच हाइट के लिक्विड कोलम के द्वारा कितना प्रेशर लगाया गया, वो कितना है, रो जी एच है। और पी जीरो इसमें प्लस कौन सा हुआ है, जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो, राइट। तो ये है इतनी सी बात कि जो प्रेशर है उसका वेरिएशन कैसे होगा, वर्टिकली डेप्थ में अपन जाते जाएंगे तो क्या होगा, इतना प्रेशर होगा, यानी प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक है, जो कितना आएगा, पी बराबर पी जीरो प्लस रो जी एच। ये एक इंपॉर्टेंट यहां पर रिजल्ट आया जिसको आपको ध्यान में रखना है, राइट। देखो इसमें अगर अपन ग्राफ बनाना चाहें, इसकी अगर ग्राफ के बारे में अपन लोग सोचें तो क्या आएगा, देखो इसकी अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूंगा, अपने पास आया पी बराबर पी जीरो प्लस रो जी एच, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, पी बराबर रो जी एच प्लस पी जीरो, ऐसे भी लिख सकता हूं। तो मैं ग्राफ बनाना चाह रहा हूं बच्चों, किस किस में, पी में, प्रेशर में, और किस में ग्राफ बनाना चाह रहा हूं, हाइट में, प्रेशर और हाइट के अंदर ग्राफ बनाना चाह रहा हूं। तो वो कैसी बनेगी, देखो इस ग्राफ, ये जो ग्राफ है, ये जो इक्वेशन अपने पास है, इसकी तुलना करो वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, जहां पर सी क्या है, वाई इंटरसेक्शन है, तो वाई इंटरसेक्शन है, तो ये ग्राफ देखो ऐसी बनेगी, ठीक है, जिसमें ये क्या है बच्चों, वाई इंटरसेक्शन है, जो कितना है, पी जीरो है ये वाला, राइट। और इसका जो स्लोप है, देखो इसकी आप कंपेयर करो, ये एच को एक्स से कंपेयर कर दिया, क्योंकि एच में और पी में ग्राफ बना रहे हैं अपन, तो एम बराबर क्या आ गया, बोलो एम बराबर क्या आ गया, रो जी, ठीक है। और एम क्या होता है यहां पर, स्लोप, स्लोप ऑफ द लाइन, तो एम ये एंगल थीटा है, तो यहां पर स्लोप क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, जो किसके बराबर आ जाएगा, रो जी। तो ये जो ग्राफ है इसका स्लोप कितना है बच्चों, रो जी है, ठीक है। तो इसको अपन कंपेयर करके पी में और एच में ऐसे ग्राफ बना सकते हैं। यहां से पी जीरो क्या, इसका वाई इंटरसेक्शन है, जो प्लस हो रहा है, अगर माइनस होता तो अपन नीचे से ऐसे स्टार्ट करते, राइट। तो ये सब तो मैथ की बातें हैं, तो आप लोगों को इतना ज़्यादा डीप में जाना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्लोप आया है वो कितना आया है, रो जी, राइट। अब देखो यहाँ से एक बात समझो, आप लोगों को ये बोला जाए कि इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ क्या, समझो, एक पॉइंट यहाँ पर है, ये मान लो ऐसे है, एक पॉइंट यहाँ पर है पी वन, एक पॉइंट यहाँ पर है जहाँ पर प्रेशर पी टू दे रखा है, इन दोनों के बीच की जो हाइट है वो एच है, ठीक है। यहाँ पर पी वन, ये पॉइंट वन है, ये पॉइंट दो नंबर है, ठीक है। तो पी टू क्या आएगा, पी टू को भी अपन ऐसे लिख सकते हैं, पी वन प्लस रो जी एच, यहाँ का प्रेशर प्लस इस, ये जो कोलम बनेगा यहाँ पर, ये जो फ्लूड कोलम बनेगा, इसके द्वारा कितना प्रेशर आएगा, रो जी एच आएगा, तो रो जी एच। तो ऐसे प्रेशर डिफरेंस, तो यहाँ से अपन प्रेशर डिफरेंस क्या कर सकते हैं, पी टू माइनस पी वन इज इक्वल टू रो जी एच। तो इसको क्या मैं डेल्टा पी लिख सकता हूँ, तो डेल्टा पी बराबर क्या आएगा, रो जी एच। यानी कोई भी दो कॉलम है जो क्या है, वर्टिकली है, डेप्थ में है वर्टिकली, ठीक है, उनके बीच का जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो कितना होता है, रो जी एच। यानी उन दोनों पॉइंटों को जो कॉलम, फ्लूड कॉलम मिला रहा है, उसके द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा है वो, तो कितना आएगा, रो जी एच। तो आप लोगों को अगर प्रेशर डिफरेंस निकालना हो दो पॉइंट के बीच में, तो वो बच्चों कितना होगा, रो जी एच, ठीक है। तो ये तो बात हुई वेरिएशन इन प्रेशर वर्टिकली विद डेप्थ की, कि डेप्थ के साथ में जो प्रेशर है वो कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, ठीक है, चलो आगे पढ़े, मिटा दूं, देखो आगे। अब जो वेरिएशन इन प्रेशर है वो अपन देखते हैं, हॉरिजॉन्टली प्रेशर का वेरिएशन कैसे होता है, तो आप लोग देखो ध्यान से, ठीक है। वेरिएशन इन प्रेशर
हॉरिजॉन्टली। एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर कोई पॉइंट स्थित होते हैं तो उनमें प्रेशर का वेरिएशन कैसे होता है। मान लो मेरे पास यहाँ पर एक फ्लूइड है, एक बीकर ले रखा है जिसके अंदर एक ये फ्लूइड भरा हुआ है, राइट, जिसकी रो डेंसिटी दे रखी है, ठीक है, जिसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है, मान लो रो दे रखी है। यहाँ पर जो प्रेशर है वो पी जीरो है। एक पॉइंट आपको ये दे रखा है पॉइंट ए और एक ये पॉइंट दे रखा है बी, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर होने चाहिए। अपन बात करें जब दो पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर होंगे तो उन दोनों के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस आएगा उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखो बच्चों ये है कि जब फ्लूइड है वो एट रेस्ट हो, यानी उसका जो एक्सेलरेशन है वो जीरो हो, नॉन एक्सेलरेटेड फ्लूइड की बात कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है, तब यहां पर जो प्रेशर डिफरेंस है वो कितना होगा। जब जो फ्लूइड है वो एक्सेलरेटेड होगा उसकी बात अपन आगे करेंगे। अब एक्सेलरेट से मतलब क्या हुआ, अब मैं आपको ये बोलूं कि मान लो अपने पास में एक गिलास है जिसको अपन एक कार के अंदर रख रखा है, कार मूव कर रही है, तो जो फ्लूइड है वो जिस कंटेनर में भरा हुआ है, जिस कंटेनर में रखा हुआ है, जिस ग्लास में रखा हुआ, वो मूव कर रहा है, उसके रिस्पेक्ट में तो वो फ्लूइड रेस्ट पर ही है, तो वो भी फ्लूइड रेस्ट पर ही माना जाता है, ठीक है। तो ये है कि जब फ्लूइड है वो एक्सेलरेटेड नहीं हो, नॉन एक्सेलरेटेड फ्लूइड हो, उसकी बात करेंगे अपन, ठीक है। तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर अपन क्या कर रहे हैं, प्रेशर निकाल रहे हैं। तो फिर अपन एक सिलेंडर बना लेते हैं, अपन ने एक सिलेंडर अज्यूम कर लिया, राइट, मैं यहां बनाता हूं इस सिलेंडर को, थोड़ा जूम करके बनाया है, राइट। अब इस पर देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। इधर जो प्रेशर लग रहा है वो लग रहा है पी वन इंटू ए, जो फोर्स लग रहा है। इधर से जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है पी टू इंटू ए। तो बैलेंसिंग के लिए अगर हॉरिजॉन्टली अपन फोर्स को बैलेंस करें तो क्या आएगा, पी वन ए बराबर पी टू ए, ए से मर गया, क्या आ गया, पी वन बराबर पी टू। आप बोलोगे सर आपने एम जी वगैरह तो मेंशन क्यों नहीं किया, इसके अंदर क्यों काम मिल गया, क्योंकि एम जी वगैरह तो वर्टिकल लगेंगे, अपन जो अभी जो फोर्स काम में ले रहे हैं वो किसके लिए ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल जो फोर्स लग रहे हैं, हॉरिजॉन्टल तो दोनों फोर्स लग रहे हैं और ये इक्विलिब्रियम के अंदर है, रेस्ट पर है, तो इसलिए यहां पर क्या होगा, इसमें एक्सेलरेशन होगा नहीं, तो इधर जितना फोर्स लग रहा उतना इधर लगेगा, तो दोनों को मैंने बैलेंस कर दिया और पी वन ए से ए कट गया, यहां पर क्या आ गया, पी वन बराबर पी टू। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां पर निकल के आया बच्चों। वो रिजल्ट क्या है कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, सेम होता है। आप यहां पर कितने भी बिंदु बना लो, ये एक लाइन खींची मैंने एक हॉरिजॉन्टली, यहां पर इस पर कितने भी बिंदु स्थित होंगे ऐसे, इन सब पर जो प्रेशर होगा बच्चों वो कितना होगा, सेम होगा, जितना एक पॉइंट पर होगा उतना ही क्या होगा, इन सारे पॉइंटों पर होगा, ठीक है। तो जो प्रेशर डिफरेंस है वो इन सब में क्या है, सेम है, राइट। चलो अब आगे बात करते हैं अपन, ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ये तो अपनी बात थी बच्चों वेरिएशन इन प्रेशर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली की अपने बात की, ठीक है। अब क्वेश्चन से न्यूमेरिकल से अपन लोग समझते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों को दिया जा रहा है, तो आप लोग देखना, बहुत ही अच्छा सा एक सुंदर सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को ये बोले ये मेरे पास एक मान लो पाइप है, ठीक है, इसके अंदर फ्लूइड है, राइट, कंटेनर है मान लो, इसके अंदर फ्लूइड है, इसकी जो हाइट दे रखी है वो एच दे रखी है, यहां पर जो प्रेशर है वो पी जीरो है, तो इस पॉइंट पर कितना प्रेशर होगा, तो आप लोग डायरेक्ट बता दोगे पी जीरो प्लस रो जी एच, डायरेक्ट निकाल पाओगे, जिस हाइट दोनों दो पॉइंट है जिनके बीच का अपन को प्रेशर चाहिए, नीचे डेप्थ में चाहिए अपन को, तो ये हाइट एच दे रखी है, तो ये क्या जाएगा पी जीरो ऊपर वाला प्रेशर, ठीक है, प्लस इस कॉलम के द्वारा कितना प्रेशर लग रहा है वो, तो रो जी एच, ठीक है। तो पी बराबर क्या आ जाएगा, पी जीरो प्लस रो जी, डायरेक्ट आप लिख पाओगे, लेकिन अगर ऐसा हो तो ये लो, अगर ये ऐसे दे रखा हो तो यहां पर प्रेशर पी जीरो है, तो इस पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा, ये जो हाइट दे रखी है बच्चों आपको, ये दे रखी है मान लो एच, एच हाइट दे रखी है, आपको पूछा है इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, आपको इस पॉइंट पर प्रेशर पूछा है कि इस पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा। तो देखो इस पॉइंट पर प्रेशर निकालने के लिए अपन क्या करें,
ठीक है। मान लो इस पॉइंट पर अपन एक प्रेशर निकालते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट पर, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ पर अपन एक सिलेंडर मान लेते हैं, एक मनगढ़ंत सिलेंडर मान लेते हैं, ठीक है। ये जो इसकी हाइट दे रखी है, ये मैंने मान ली, मान लो एच वन दे रखी है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर प्रेशर कितना आएगा बोलो, यहाँ पॉइंट बी है ये, ठीक है, इस पी बी कितना आएगा बोलो, पी जीरो प्लस रो जी एच वन आएगा कि नहीं आएगा, इतना ही आता है, ठीक है। अब एक पॉइंट यहाँ माना अपन ने सी, तो इस पॉइंट पर अपन प्रेशर निकालना चाह रहे हैं, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है ये, तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है तो पी सी किसके बराबर होगा, पी बी के बराबर होगा, ठीक है। अपन को तो इस पॉइंट पर चाहिए प्रेशर, तो अपन फिर क्या करते हैं, एक सिलेंडर मान लेते हैं, ठीक है, जिसकी ये जो हाइट दे रखी है, ये दे रखी है मान लो एच टू, राइट। तो यहां पर प्रेशर ये पॉइंट डी है, तो पी डी क्या आएगा बोलो, पी सी प्लस रो जी एच टू आएगा, क्योंकि इस पॉइंट का प्रेशर पी सी और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो एच टू है, जो हाइट है वो एच टू है, तो इस पॉइंट पर क्या आएगा, पी डी बराबर पी सी प्लस रो जी एच टू, अपन फॉर्मूला ही काम में ले रहे हैं यही, राइट। तो पी सी किसके बराबर है, पी बी के बराबर, और पी बी कितना है, पी जीरो प्लस रो जी एच वन प्लस रो जी एच टू, राइट। तो ये क्या आएगा, पी जीरो प्लस रो जी कॉमन ले लो, क्या आ गया, एच वन प्लस एच टू। अब एच वन प्लस एच टू क्या है, एच के बराबर है, तो इसको क्या लिखते हैं, पी जीरो प्लस रो जी एच। इस डी पॉइंट पर जो प्रेशर आया बच्चों वो कितना है, पी जीरो प्लस रो जी एच, ठीक है। तो यहां से क्या पता लगा, यहां से अपन को क्या पता लगी कि जो वेसल जो अपन ने लिया है, जो अपन ने कंटेनर लिया है, उसकी शेप पर प्रेशर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। शेप ऑफ वेसल, इससे क्या रहता है, नॉट डिपेंड, नॉट, नो इफेक्ट, इस पर क्या है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है जो वेसल अपन ने लिया है उसकी शेप का, राइट। तो ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था एक, जो आप लोगों ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब, देखो। हाँ तो बच्चों, ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन दे रखा है, थ्री वेसल्स हैव सेम बेस एरिया, क्या दे रखा है, सेम बेस एरिया एंड इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आर फिल्ड इन दीज, यानी ये तीन वेसल्स दे रखी हैं जिनका बेस एरिया क्या है, इक्वल है, ठीक है, और तीनों के अंदर सेम वॉल्यूम का या इक्वल वॉल्यूम जो लिक्विड है वो फिल्ड कर रखा है। इक्वल वॉल्यूम मान लो, ऐसे मान लो कि इनमें दो लीटर फ्लूड कर रखा है, सब में दो दो लीटर फिल्ड कर रखा है, ठीक है। तो इसमें दो लीटर फ्लूड फिल्ड करेंगे तो वो मान लो उसकी जो हाइट है, ये जो फ्लूड है मान लो ये यहाँ तक आ जाता है, कितनी हाइट तक, मान लो एच वन हाइट तक आ जाता है। जब इसके अंदर करेंगे तो देखो इसका जो ये एरिया है ऊपर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो मान लो इसमें आ जाएगा यहाँ तक, क्योंकि ऊपर बढ़ता गया यहाँ तक आ गया। अब इसके अंदर जब अपन करेंगे तो इसका जो एरिया है बच्चों, ये कम होता जा रहा है, 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 तो इसमें ज़्यादा हाइट तक फ्लूड जाएगा, मान लो इसमें चला गया एच थ्री हाइट तक, ठीक है, ज़्यादा हाइट तक फ्लूड गया। तो आपको पता है कि जो पी होता है वो क्या होता है, पी जीरो प्लस रो जी एच होता है, ये यहां पर मान लो इनमें सब में एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, राइट। तो अब आप लोग खुद मेरे को बताओ सोच के कि ये जो इसमें से सबसे ज्यादा यहां पर अगर अपन प्रेशर निकालना चाहें तो सबसे ज्यादा प्रेशर है वो कौन से में आएगा, यानी ये जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। हाइट एच थ्री ज्यादा होगी, हाइट एच थ्री ज्यादा होगी, फिर एच टू है, एच वन है और फिर एच टू है, यानी यहां पर अपन इनमें रिलेशन, हाइट का रिलेशन क्या है, एच थ्री ग्रेटर देन एच टू ग्रेटर देन एच वन, नहीं सॉरी एच वन, और यहां पर क्या है एच टू, ये दे रखा है, ठीक है। तो ये तो सब में इक्वल है, पी जीरो रो जी, क्योंकि सेम फ्लूड है, ठीक है, जो लिक्विड है वो एक ही लिक्विड भर रखा है सब में, ठीक है, तो ये तो सेम होगा, फर्क किस में आएगा, एच से आएगा, तो जिसकी हाइट ज्यादा उसका प्रेशर ज्यादा, तो किसकी हाइट ज्यादा, एच थ्री ज्यादा, तो पी सी ज्यादा, फिर पी ए ज्यादा, फिर पी बी ज्यादा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो गया, सी, सी ऑप्शन क्या हो गया आपका, राइट हो गया, ठीक है। अब अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स कौन से में आएगा, फोर्स कौन से में ज्यादा आएगा, अपन को पता है कि पी इजिकल टू एफ अपॉन ए होता है, तो F इजिकल टू क्या आएगा, P आएगा, आपको दे रखा है बेस एरिया वो सेम दे रखा है, तो A तो सेम हो गया सब में,
ठीक है, प्रेशर किस में ज़्यादा, जिसमें प्रेशर ज़्यादा उसमें फोर्स भी ज़्यादा, तो प्रेशर कौन से में ज़्यादा, सी में ज़्यादा, तो यहाँ से जो फोर्स है वो किस में ज़्यादा होगा, सी जो वेसल दे रखा है इसमें फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, ये जो फ्लूड है ये फोर्स भी इसमें ज़्यादा लगाएगा। ठीक है, तो ये कहानी थी अपनी, एक क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों की बिल्कुल बात समझ में आई होगी। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड है जो आपको दिख रहा है बोर्ड पे, कि वाटर इज फिल्ड इन ए फ्लास्क अप टू ए हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी एक फ्लास्क है उसके अंदर वाटर 20 सेंटीमीटर हाइट तक फिल्ड कर रखा है, राइट। फिर द बॉटम ऑफ द फ्लास्क इज सर्कुलर विद रेडियस 10 सेंटीमीटर, वो जो फ्लास्क है उसका जो बॉटम है वो सर्कुलर है जिसकी रेडियस आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, राइट। फिर बोल रखा है इफ द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज 1.01 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द फोर्स एग्जर्टेड बाय द वाटर ऑन द बॉटम, यानी मान लो एक आपके पास ये फ्लास्क है और इसकी ये जो दे रखा है ये सर्कुलर है, जैसे ग्लास अपने पास होता है उसकी बात कर लो, ठीक है, जिसमें एच हाइट तक, जिसमें क्या एच हाइट तक वाटर फिल्ड कर रखा है, जिसकी आपको जो वैल्यू है एच की वो दे रखी है कितनी 20 सेंटीमीटर, यानी 20 सेंटीमीटर तक इसमें वाटर फिल कर रखा है, और इसकी जो रेडियस है बच्चों वो आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, राइट। और एटमोस्फेरिक प्रेशर यानी P0 की वैल्यू आपको जी है ये पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। ये चीज़ आप लोगों को गिवन है और आप लोगों को बोला है कि जो फोर्स कितना अप्लाई कर रहा है ये जो वाटर है इस पर, यहाँ पर इसके बॉटम में, वो आपको निकालना है, ठीक है। आपको जी की जो वैल्यू कंसिडर करनी है वो 10 करनी है, और जो वाटर होती है उसकी जो डेंसिटी होती है वो 10³ होती है, ठीक है, मीटर केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। जो डेंसिटी होती है वो 10³ होती है, ये आपको ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन में दी हुई भी हो सकती है और नहीं भी दी हुई हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्या अपन प्रेशर निकाल लें, ये जो वाटर है इसके बॉटम पर कितना प्रेशर लगा रहा है वो अपन को पता लग जाएगा, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर फोर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि फोर्स बराबर फिर हो जाएगा P/A, यानी इसका बेस एरिया, ठीक है, एरिया अपन निकालेंगे क्योंकि अपन को रेडियस दी हुई है और सर्कुलर है तो π r² हो जाएगा एरिया, तो अपन प्रेशर निकाल लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर। तो प्रेशर क्या होगा बोलो, P = P₀ + ρgh से नहीं निकाल सकते क्या, क्योंकि यहाँ पर जो एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा P₀, तो इस पॉइंट पर प्रेशर निकालना कितना आएगा P = P₀ + ρgh, राइट। तो ये क्या आ गया बच्चों, यहाँ पर अपने पास प्रेशर की वैल्यू आ गई, इसमें वैल्यू रखो P₀ की वैल्यू कितनी है 1.01 × 10⁵ प्लस रो कितना है 10³ इंटू जी कितना है 10 इंटू हाइट कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो कितनी आएगी 0.20 मीटर, मीटर में चेंज कर लेंगे इसको तो 0.2 आएगा। तो देखो ये कितना हो गया 1.01 × 10⁵ प्लस ये देखो 10³ और 10⁴, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 0.02 × 10⁵, क्योंकि पावर दे रखी है, पावर को सेम करना पड़ेगा अपन को इन दो क्वांटिटी को जोड़ने के लिए, तो यहाँ पर 10⁴ तो बन गई, अपन को एक जीरो और चाहिए, तो एक जीरो मैंने यहाँ से ले लिया, इसको एक पॉइंट इधर खिसका दिया, इधर एक पॉइंट किसका लिया, तो ये आ गया। तो यहाँ से 10⁵ कॉमन ले लो तो 1.01 × 0.02, तो बोलो ये कितना आएगा 10⁵ इंटू ये कितना आएगा 1.03, तो ये क्या आ गया 1.03 × 10⁵ पास्कल, ये आ गया प्रेशर अपने पास, कितना आया 1.03 × 10⁵ पास्कल, ये अपने पास में इस पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू आ गई। अब अपन एरिया निकालें इसका, एरिया ऑफ द बॉटम ए जो क्या आएगा π r² आएगा, राइट। तो ये कितना आएगा पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है अपने पास में 10 सेंटीमीटर है, तो इसमें कितना आ जाएगा 0.1² यानी 10² ठीक है। तो यहाँ से एरिया आ गया। अब अपन को तो फोर्स चाहिए, फोर्स क्या हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर कितना आया है 1.03 × 10⁵ × 3.14 × 0.01 ठीक है। तो देखो 1.03 × 3.14 × ये 10⁵ है और 2 और 2 ये कट जाएगी, यानी ये हो जाएगा 10 × 10 ठीक है, और यहाँ पर एक 10 और बच जाएगा क्योंकि
10 की पावर 4 थी वो 2 तो इससे कट गई, 2 इससे कट गई, बची कितनी, 1 बच गई, तो 1 ये लिख दी और 10 10 ये आ गए, तो ये क्या आ गया बोलो, तो 2 और 2 4 और 3 0 है अपने पास में, तो 10 की पावर 3 है, तो इसको इसको मल्टीप्लाई करो आप, पहले तो इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ कर लो 3.14 और 1.03 करो मल्टीप्लाई, 1, 4, 9, 0, 0, 0, 4, 1, 3, 2, 4, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 3.23 × 10³³, ये 3 आ गया ना, 10³ न्यूटन, तो फोर्स कितना आ गया, 3.23 × 10³³, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3230 न्यूटन, 3230, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लो 10³ को, 1000 को मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो ये न्यूटन है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, आप लोग नोट अगर करना चाहो तो कर लो, ठीक है, कर लिया नोट। एक क्वेश्चन और देखो, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा शानदार सा क्वेश्चन है, एक देखो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो, देखो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, आपको ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, बोल रखा है कि ये 3 अपने पास वेसल है, अभी अपन ने एक क्वेश्चन किया था वैसा ही क्वेश्चन है, इनमें क्या कर रखा है, सेम लेवल पर, सेम लेवल जो लेवल है वाटर का वो सेम है, सेम लेवल पर इनमें फ्लूइड भर रखा है, लिक्विड भर रखा है, सेम लेवल एच हाइट पर, इसमें भी एच, इसमें भी एच और इसमें भी एच, सेम हाइट पर, यहाँ पर इसमें भी प्रेशर पी जीरो, इसमें भी पी जीरो, इसमें भी पी जीरो, ये ए वेसल है, ये बी है, ये सी है, ऑप्शन आपको दिया जा रहा है पी ए ग्रेटर देन पी बी ग्रेटर देन पी सी, ए नंबर, बी नंबर है पी ए लेस देन पी बी लेस देन पी सी, सी है पी ए ग्रेटर देन पी सी ग्रेटर देन पी बी, डी ऑप्शन है पी ए बराबर पी बी बराबर पी सी, बताओ कौन सा सही होगा, वीडियो को पॉज करो और देखो, बहुत ही एकदम कॉमन सेंस की बात है कि आप लोगों को बताया कि जो वेसल होती है उसकी शेप पर जो प्रेशर है वो डिपेंड नहीं करता, ठीक है, और सेम हाइट अगर दे रखी है तो अपने पास में जो प्रेशर होता है वो तो पी जीरो प्लस रो जी एच होता है, राइट, डेप्थ में, वर्टिकली डेप्थ में, ठीक है, तो यहाँ पर हाइट सेम दे रखी है, पी जीरो सेम होगा ही सब में, तो हाइट सेम है और सेम फ्लूइड इनमें भर रखा है, ठीक है, और सेम हाइट तक भर रखा है तो सब में प्रेशर की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी, यहां से आया है क्योंकि एच की वैल्यू सेम है, ठीक है, तो प्रेशर भी क्या होगा, सेम, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये है बच्चों अपना, ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और भी इस पर बनते हैं, आप लोग खुद ट्राई कर सकते हो, तो खुद से आप लोग करने की कोशिश करिएगा, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया जाएगा लास्ट में, जो आप लोगों को करना है खुद से, अगला जब वीडियो आता है उससे पहले आप लोगों को करना, अगली क्लास से पहले, अगली क्लास में उसको फिर डिस्कस मैं करूँगा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना, बाकी रहेगा नेक्स्ट डे, धन्यवाद।